लाइन लेकर आने वाले होते हैं। स्वागत है आपका एक और बीच में धमाल के ब्रांड न्यू गेम प्ले में। अब गाइस ये वाले गेम प्ले में तुम्हें सही बताऊं तो यहाँ पे तुम चार बंदे जरूर देख पा रहे हो लेफ्ट कॉर्नर पे, लेकिन सीरियसली यहाँ पे जितनी भी स्क्वाड से हमारी फाइट होगी ना भाई साहब, यहाँ पे तीनों बंदे किसी काम के नहीं है, कुछ भी काम नहीं आने वाले हमारे। फिलहाल भैया मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, सबसे हमें खेल ही निबटना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले तुम यहाँ देखो भैया, हम कूद रहे हैं सेवन ही और हमारे साथ कूद रहा है एक अथीना। भाई सही में यार, एक बंदे से डर बहुत ज्यादा लगता है सही में। और भाई सही में तो अनफॉलो करती हवा में मेरे को लहरा दिया कसम से, अब तो गया मैं काम से। और लौंडे को दो दो गाड़ी मिल गई भाई। अरे अथीना जी कहाँ कहाँ भाई कहाँ। तो गाइस ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है जहाँ पे कि मेरे टीममेट का सपोर्ट मेरे को मिलने वाला है, अदरवाइज यहाँ पे तुम बस देखो भाई साहब जैसे निकलेंगे हम आगे और बंदों की तलाश करने के लिए। जी हाँ, सेवनी का सफर बस उतना ही था। और तुम ये चीज नोटिस करो कि जोन में बंदे कितने हैं, 54, तो उस हिसाब से भाई साहब किल का एवरेज लगाना ठीक है। फिलहाल तुम ये देखो भाई साहब धुंध कितनी हो रखी है। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। राइट से गाड़ी, राइट में गई गाड़ी, वो यही पे गाड़ी नहीं रुकी हुई है। अरे यार क्या, यहीं पे बांधो नीचे बंदा गाड़ी के पास। भाई साहब हमारा घातक भाई पड़ा है 80 मीटर दूर नॉक, तो देखने वाली बात ये है क्या हम बचा पाएंगे उसे। जा रहा ब्रो जा रहा। अबे एक बॉट भी आ रहा है यार, मार ना दे। बॉट रियल है, रियल है भाई, रियल है। मार्क द लोकेशन, रियल है, चैट पे रियल है। अरे भाई भाई कसम से यार, नंबर टू ये नेक्स्ट लेवल जो उसमें था, तो उसकी पेटी तो तुरंत ही बन गई। लेकिन भैया इससे मेरी भलाई इसी में है कि मैं आगे नंबर चार को अपने रिवाइव दे दूं। यार धुंध कुछ ज्यादा कर रही नहीं हो रखी है भाई, साला यहीं पे बंदा गाड़ी पे था, मेरे को वही नहीं दिखा भाई। अबे सीधे सीधे बोल रहे, तुमने हक दिया भाई साहब। देखो कवर अप कैसे कर रहा है, धुंध थी ये थी वो था। अगर सही में यार फाइट के बीच में बॉट ना है ऐसा तो खैर होना संभव है, बट तुम यहाँ देखो भैया ये वाले बॉट को मैं नहीं मार रहा। दो बंदे बहुत लो है, घर के पीछे गया, बहुत लो। राइट से जा। ओ लो भाई साहब बूम बाम, ये वाली स्क्वाड भी खत्म। फिलहाल तो यहाँ पे ये वाली स्क्वाड तो निपटा दी, बट भाई साहब यहाँ देखो तबाही अभी खत्म हुई नहीं है, ये आगे सामने एक और स्क्वाड। लेकिन इन बंदों को मारने के लिए थोड़े से टोटके वोटके लगाने पड़ेंगे, बिकॉज यार कुछ दिख ही नहीं रहा है। तुम्हें अब भाई देखो अब तक कितना सब कुछ सही चल रहा है, सामने बंदा फंस चुका है हमारे चंगुल में लगभग, बस एक कॉल की जरूरत है जो कि मुझे चाहिए थी घातक की तरफ से। बट नहीं भैया, तुम अकेले जाके प्रो बन लो सही में, बनवा ली लपेटी। फिलहाल तो जो भी है भाई साहब यहाँ पे सही में वो एक कॉल दे देता ना, ऐसे बेटी बना देता मैं उसकी ऐसे। लेकिन फिलहाल तो जुह भी गई जा, मैं क्या ही करूँ, अभी तो बचा तो नहीं पाएगा तक को। बट यार बदला तो ले सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे दोनों बंदों को तो भर दिया, लेकिन ऑब्वियसली सारे बंदे नॉक ही हुए थे, तो मैं सोच रहा था इसका लास्ट बंदा कहाँ है कहाँ नहीं। और भाई इतने में अनरैंक में अभी भी रिकॉल वाला सिस्टम बचा हुआ है भाई, शुक्र है मैं ज्यादा लूटने में मदहोश नहीं रहा, वरना कसम से मेरी पेटी बनना वहीं पे तैती। पर जो भी अभी तुम ये देखो भैया, ये बंदा है सामने वाले घर में, और कसम से यार इसे निकलने का मौका देना ही नहीं है, तो चलो चल के रश कर देते हैं इसमें तुरंत ही। हेलो भाभी जी घर पे हैं? हेलो, अरे भाभी जी जवाब दीजिए। चलो यार भाभी जी तो जवाब नहीं दे रही है, बट देख के आते हैं किचन में क्या बना यार। अरे
अरे भाभी जी बिल्ली नहीं है यार, हम इंसान है, क्या कर रही हो यार? बिलाल तो कहीं जो भी है भाई साहब, यहाँ पे हन्नी जी की बेटी तो बन चुकी है, बट भाई कैसी लगी? अरे ये बंदा कुछ जादू झाई में, सही में यार कसम से, मतलब क्या ही बोले जा रहा है। पहले तो जो भी कहीं यहाँ पे देखो बारी थी और निकल लेगी, बिकॉज और हमारे साथ यहाँ पे कोई नहीं था, तो तुम यहाँ नोटिस करो ऐसे निकलेंगे ना हम। भाई साहब ये आ गए वापस से बुलावा। अब ये जाने से पहले चलो भैया इनको भी निपटा ही देते हैं। यही होता है लाइफ में ज्यादा ऑप्शन मिलने लगते हैं, यही होता है। का नाम है सीजी विमल। बोलो जुबा केसरी। फिलहाल तो केसरी बोलते बोलते भैया हम चले आए यहाँ पे भैया और बंदों को खोजने के लिए। और देखो हम जैसे भटक रहे होते हैं तभी मुझे लेफ्ट साइड में दिख गया ऊपर में एक बंदा, और पहले नजर में तो लगा ये बॉट है, बट जैसे हल्का हल्का कुछ दिन करूंगा ना भाई साहब ये भैया बॉट वॉट नहीं है। और तुम्हें एक बात बताऊं, ये अकेला भी नहीं है। काम करो तुम गाड़ी लेकर जाओ और दूसरे एंगल से उन्हें फंसाने की कोशिश करो, इस तरह से मैं मारूंगा उस तरह से तुम, तो इजी वाले बंदों को निपटा देंगे। तो प्लान काफी सिंपल था बट भाई मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदा ना हंगड़े वाला है। अरे मेरी काली जवान भाई, कवर छोड़ के बाहर क्यों निकल गए? ये आ रहा है इसी तरफ, आ रहे दोनों इसको पेलने आ रहे हैं। स्प्रे दे तू वहीं से। बोलो बोलो हाँ भाई बोलो भाई। अभी देखो टीममेट को तो नहीं बचा पाए, लेकिन हाँ इतना है बदला ले लिया। लेकिन भैया तुम इतने में सुनो, कौन हैक करे भाई इन बंदों के सस्ते ना सिर्फ सही में। हां तेरे को कह रहा हैक लगाया, खेलना सीख क्या कर निकल भाई, फ्री फायर खेल ले जाके यार, तू गलत गेम में आ गया फिर तो। चले खेलना शुरू करा है क्या बे चमन परा? भाई चमन परा भैया इनका तो चलता रहेगा ये, लेकिन अभी भैया हम चलते हैं बच्चे कुछ बंदों को खोजने के लिए। और तुम अब ये देखो भैया मैं बचा हूँ अकेला, तो ऑब्वियसली ऐसा तो हर जगह रश करना नहीं चाहिए ना मेरे को, अकेला बंदा है। लेकिन भैया तुम ये देखो, मतलब ये मुझे हल्के से फुट साउंड और गाड़ी मैंने सीधी सही पर रोक दी। भाई क्या परफेक्ट टाइमिंग बंदर आया ना। चार्ज है भाई अब देखो ऊपर वाले बंदे तो बच जाएंगे, बट भाई साहब इनका बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बोले तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ भाई साहब वो वाला बंदा जो रिवाइव हो चुका है ना, अब भैया यहाँ पे मतलब वापस से दो बंदे पैरों पे खड़े हैं। तो फिलहाल तुम देखो भाई साहब कैसे इन्हें फिर से गिराते हैं बमबाजी करते हुए। सबसे पहले होगी बेटा रवि की शादी। वो तो अपने भाई से ही पहले कर लेगा। डॉक्टर किंग भाई ये बंदा गलत संगत में, सही में तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन जो भी है फिलहाल के लिए तो ये दोनों ही बंदे निपटा दिए हमने, और जोन में अब कुछ खासा बंदे तो नहीं बचे हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ भैया फाइट ना वो बहुत खासा होने वाली है। अब तुम यहाँ देखो भाई साहब मैं चलाता हूँ उस ब्लू बिल्डिंग की तरफ, बिकॉज मुझे लगा ऐसे यहाँ पे बंदे होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो यहाँ से अच्छा खासा एंगल बन सकता है बंदों को स्पॉट करने के लिए। और अब तुम यहाँ देखो भाई साहब ये मेरी सोचना कितनी सही थी। अब भाई साहब ये स्प्रे मैंने हगा जरूर है, लेकिन इसलिए हगा है बिकॉज यार यहीं आ गए बंदे थे, तो मैं ज्यादा आगे जाके फाइट ले नहीं पाया। अब फिलहाल जो भी है, लेकिन तुम यहाँ ये नोटिस करो कि एक बंदा ना क्लोजिंग कर रहा है। और भाई साहब लेफ्ट राइट हर जगह से पड़े जा रही है सही में। मैं तुम्हें सही बताऊं तो फिलहाल यहाँ पे फाइट पता है कैसा आपकी है, 4v2v1 की, और वन मैं हूं।
भाई कसम से घर वाला बंदा दिक्कत बहुत क्रिएट कर सकता है, तो पहले तो इसे निपटाते हैं। भाई कसम से घर में ही रहता तो शायद ये बच जाता, बट भैया अब तो बिल्कुल असंभव है इसका बचना। लेकिन जो भी फिलहाल तुम यहाँ देखो, मैंने राइट की तरफ एक बंदा नॉक कर रखा है और देखो यहाँ पे जोन भी आ रही है, तो आई थिंक भैया इसे जोन में आना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी। और भाई साहब मैंने ये वाले बंदे को नॉक तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाला हूँ, वो ये कि मैं ये वाला किल ना कंफर्म नहीं करता हूँ, और सीरियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गजब के होने वाले हैं, अभी तुम बस देखते जाओ। लेकिन कितना प्यारा मौका था, इजी फिनिश कर सकता था ना, लेकिन नहीं कर पाया बिकॉज यार नीचे कूदा गलती से। बट भाई तुम इतने में देखो ये बंदा रिवाइव हो गया, सही में यार। और भाई कसम से यार शायद मैं यहाँ पे नेट वेट फेंक के उन्हें निपटा देता, लेकिन भैया क्या कर सकते हैं, भैया अब पड़ गई लेफ्ट से, तो कुल मिलाकर हमें ही पड़ रही है जहां से भी पड़ रही है। भाई साहब मैंने तो पहले नॉक वाले को कंफर्म करा कसम से, मैंने किल इंपॉर्टेंट है फिलहाल, तो जो भी है गाइस यहाँ तुम देखो भैया अब बचे सिर्फ और सिर्फ दो बंदे जो कि ऑलरेडी जोन में है, और अब दिक्कत ये मुझे भाई साहब उन्हीं की तरफ जाना पड़ेगा। अब लग तो यहाँ पे खैर नहीं रहा है कि ये चिकन हो पाएगा, लेकिन फिर भी यार कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, तो चलो ट्राई मारते एक। अब यार ये बंदा ग्रेनेड से नॉक, और एक बंदे के फुटस्टेप मेरे को जो यहाँ से आ रहे थे, तो मैंने इजी मॉली वॉली वहाँ पे फेंक दी। अब मुझे लग रहा था ऐसे इजी चिकन डिनर मेरा हो जाएगा, बिकॉज देखो वो बंदा पीछे भाग गया, एक नॉक पड़ा है और इसे मॉली लगी है, तो भैया हाफ एचपी तो हो ही गया होगा, तो जल्दी से जाकर उसे मार दूंगा। लेकिन भाई साहब मेरा एक गलत स्टेप और गेम जो है ना भाई हाथ से निकलते निकलते बची है। बट भैया अब दिक्कत ये है कि जितने मैंने यहाँ पे हील लगाई, ये बंदा कर जाता है पीछे की तरफ फॉल बैक, और भाई साहब आएगा तो मैं तो पता ही है कि उसे मिल जाएगा रिवाइव। बट भाई साहब कुछ नहीं होता भैया, हो चुका है अपना एक और प्यार सा विनर विनर चिकन डिनर। और भाई तुम्हें गेम पे लगा कैसा जरूर बताना कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ठोक देना। मैं गेम के लिए चलता हूँ, मिलो कल फिर से, लव यू, स्टे सेफ गाइस एंड गाइस कीप सपोर्ट।